Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are finding doing well at your homes. Today we will do page number 23 and your written task is question number 1 and 2. Okay, your written task is question number 1 and 2. Very simple, it is depends on the direct or inverse proportion. It is depends on the direct or inverse proportion. Direct proportion kaun sa hota hai? Direct proportion hota hai. अगर एक नंबर बढ़ रहा होगा तो नेक्स्ट दूसरा भी क्वांटिटी क्या हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी. और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इफ़ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेस तो अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीजेस. अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो दूसरी जो है डिक्रीज हो रही होगी. अगर एक डिक्रीज हो रही होगी तो दूसरी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी. दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन. हेयर द फ्रिंजी ब्लैंक्स आर present. These friendly blanks are depends on the cross product, cross multiplication. You will see in the video na, in the introduction video. Very easy, it is very easy. You will solve these friendly blanks by cross multiplication. I solve these friendly blanks in the rough copy. You can use rough work. You can use copy for rough work. नंबर वन क्या कह रहा है, टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू डैश अपॉन 18 इज इक्वल टू 24. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दैट वन, तो टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू डैश अपॉन 18, कुछ नहीं है तो आई टेक एक्स हेयर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स. टू 18 जा टू 8 जा 2 को 18 से किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3 36 और 3x. ठीक है, अब मेरे पास 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो याद रखिएगा, हम छोटे होते से भी पढ़ते आ रहे हैं, नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है क्या, जो एक साइड पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पर क्या जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो x इज इक्वल टू 12. मेरे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 12. तो व्हाट माई आंसर हेयर, तो आई राइट 12 हेयर. नाउ अब इन दोनों को बराबर करना है, इसके किसके बराबर करना है, 12 अपॉन 18. अब मेरे पास क्या होगा, 12 अपॉन 18 इज इक्वल टू डैश अपॉन 24. अगेन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18 मल यहाँ कुछ ने तो आई पुट एक्स हियर, 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 24, 18x, 24 को टू टाइम कर लेते हैं, 24 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 8, 4 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2288 आ गया, x इज इक्वल टू 288 अपॉन 18, ऐसा ही है. 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18. अब फिर ये कैंसिल हो जाएगा, करके देखें, 9 वन ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 वन ज़ा 9, 10 11 12 13 14 54, 9 6 ज़ा 54, तो x इज इक्वल टू 16. व्हाट माई आंसर, x इज इक्वल टू 16. X is equal to 288 upon 18. 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8. 9 1s are 9, 9 1s are 9, 5 carry gaya, 9 6s are 54. So what my answer? 16. So X is equal to 16. I put 16 here. Got it? Up next, dekhen. 2 upon 7, again 6 upon X. R is equal to y upon 63. Now again you can use the cross multiplication. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 2 upon 7 is equal to 6 upon कुछ भी नहीं है और dash upon 63. Again I use cross multiplication. यहाँ कुछ नहीं तो x, यहाँ put कर लेते हैं y. 2x is equal to 6 multiply by 7. ठीक है, यहाँ ये multiply हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, divide. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 7s are 21. So what my answer? 21. I write 21 here. आप इस 21 को क्या करेंगे, यहाँ पर put कर दिया, ठीक है ना, I write put here.
अब ये 6/21 हो गया इज इक्वल टू -/63। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो y ले लेते हैं। 21y इज इक्वल टू 6 × 63। वॉट इट 21y इधर मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 3, 1 × 3 = 3, 2 = 6, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, 2 × 9 = 18। तो व्हाट माय आंसर, 18। तो आई पुट 18 हेयर, गॉट इट। अगेन अब आप मजीद 3, 4 और 5 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, यू कैन यूज द क्रॉस प्रोडक्ट इन दीज क्वेश्चंस। ओके, हैव यू गॉट इट और नॉट? अगेन यू विल पुट द एक्स हियर, वाई हियर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.1x से होगा, 2 × 0.6 से होगा, देन यू कैन फाइंड आउट द। ओके, आई सॉल्व वन मोर क्वेश्चन हेयर, यू कैन सॉल्व लाइक दैट। वन मोर क्वेश्चन, 0.1 / 0.6 इज इक्वल टू 2, कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 24, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, आई पुट एक्स एंड हायर आई पुट वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 0.1x इज इक्वल टू 2 × 0.6, 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 × 0.6 / 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, 1 की कोई वैल्यू, 6 × 2 = 12। तो व्हाट माय आंसर, x इज इक्वल टू 12, तो आई पुट 12 हेयर। अब इस 12 को मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, तो व्हाट माय आंसर, 2/12 बराबर है y/24 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 12y इज इक्वल टू 2 × 24, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 24, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 24, तो y इज इक्वल टू 3, 1 × 3 = 3। तो व्हाट माय आंसर, व्हाट माय आंसर, वन इट्स अगेन सॉल्व हेयर, आई विल आई पुट 12 हेयर, 2/12 एंड y/24, 2 × 24 = 12y, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 6, 3 × 18, 6 × 4 = 24, not 3 × 24, 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 24, तो y इज इक्वल टू 4, तो आई पुट 4 हेयर, गॉट इट। वन नाउ अदर क्वेश्चंस यू विल सॉल्व बाय सेल्फ, वेरी सिंपल, यू कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट हेयर। ओके, विच वन यू वी यूज, यूज क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई आप यू इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेन यू फाइंड आउट दिस नंबर देन यू विल सॉल्व दिस साइड। ओके, हेयर यू कैन ऑल्सो यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7, इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28, फाइंड द सेकेंड वन। कह रहा है दो रेशो, रेशो ऑफ टू क्वांटिटी, एक रेशोज के टू क्वांटिटीज क्या है, 2 × 7, अगर फर्स्ट क्वांटिटी इज 28 तो फाइंड द सेकेंड वन। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, यू यूज, ओके, फर्स्ट क्वांटिटी मेरे पास वो क्या कह रहा है, रेशो है 2 × 7 का, रेशो है 2 × 7 का, फर्स्ट क्वांटिटी क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 28 है, तो सेकेंड मुझे क्या करना है, मालूम करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग, 2 × रेशो बना रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, 28 × x के, ऐसे ही है। रेशो का पहले भी आपको बताया था, इट मींस 2/7, प्रोपोर्शन है 28/x के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2x
इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 4 8, ठीक है ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 7 4 7 7 7 2 14 7 3 24 7 4 28 7 7 8 9, तो माय नेक्स्ट नंबर इज 98, तो माय आंसर इज द सेकंड नंबर इज 7 4 28 7 7 8 9, the second number is 98. Now do these sums also by itself. Love is